नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए बड़ी खबर के साथ करें बुलेटिन की शुरुआत। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। एसबीआई की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और साथ ही आदेश दिए हैं कि कल ही इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी दे एसबीआई, कल तक पूरी जानकारी दे। हालांकि आपको बता दें कि एसबीआई की 30 जून तक की समय मांग की याचिका को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और यह भी कहा कि चुनाव आयोग को भी यहां पर आदेश दिया गया है 15 मार्च तक ईसी वेबसाइट पर अपलोड करें पूरी डिटेल। तो फिलहाल अवमानना का नोटिस जारी नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चेतावनी दी है कि अगर ये आदेश लागू नहीं किया गया तो अवमानना का नोटिस जारी करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में इलेक्शन कमीशन की स्टेट बैंक की अर्जी कि हमको टाइम एक्सटेंड किया जाए 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स देने के बारे में, उसको रद्द कर दिया है और बोला है कि ये बिल्कुल साफ है कि स्टेट बैंक के पास जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है कि किसने बॉन्ड्स परचेज करे उसके डिटेल्स और किसने बॉन्ड्स वो एनकैश करे उसके डिटेल्स, ये सब स्टेट बैंक के पास है और वो कल शाम तक ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दे दें और उसके बाद इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक, इसी महीने की 15 तारीख तक वो सारे डिटेल्स अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दे। मुझे पूरे देश की जनता को इस बात की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कम वो सूची आ जाएगी, जिस सूची में ये पता लग जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स किन्होंने दिए हैं। अब सवाल यह है कि वो सार्वजनिक होगा कि नहीं होगा, हम और आप जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे। बीजेपी तो जानती है कि उसे कहां से चंदा मिला है, या हमें चंदा मिला हुआ तो हमें तो पता है कि कहां से चंदा मिला है। ये जनता जान पाएगी कि नहीं जान पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और चलिए मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर से। प्रभाकर, अभी आप कुछ देर पहले अखिलेश यादव की बाइट सुन रहे होंगे, वो सीधा तौर पर कह रहे हैं कि भाई अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो डेटा है ये सार्वजनिक हो पाता है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त, क्योंकि 30 जून तक का तो वक्त एसबीआई मांग रही थी और वो याचिका खारिज हो गई। निश्चित तौर पर ये एक सवाल है और ये सवाल सबके दिमाग में इस समय है, इसलिए कि एसबीआई ने जो सुप्रीम कोर्ट में दलील दी और कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके मुताबिक अभी तक जो जानकारी है एसबीआई के पास वो जानकारी चुनाव आयोग को देना है, और उसमें ये कि किसने खरीदा इलेक्टोरल बॉन्ड और किसको दिया वो मिलान होना बाकी है, जो जिसके आधार पर जिसके लिए चुनाव एसबीआई समय मांग रही थी। तो ये जो जानकारी अभी है वो जानकारी इलेक्शन कमीशन को दे देना है और इलेक्शन कमीशन उस जानकारी को मैच करके कि फलां ने फलां तारीख को फलां नंबर का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था और वो उस नंबर का इलेक्टोरल बॉन्ड फलां पार्टी ने इनकैश कराया, तो ये जो मिलान होना है ये मिलान इलेक्शन एसबीआई ने नहीं कराया है। एसबीआई के पास इस तरह से डेटा नहीं है, तो ये मुश्किल एक बनती है। अब सवाल उठता है कि कल जो डेटा दे दिया जाएगा एसबीआई के द्वारा इलेक्शन कमीशन को और 15 तक उसे पब्लिक कर देना है इलेक्शन कमीशन को, तो क्या इलेक्शन कमीशन इस दौरान ये मिलान कर पाने में सक्षम है, और अगर नहीं है तो क्या हम ये उम्मीद करें कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आएगा और सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि माय लॉर्ड हमारे पास जो 44,000 से ज्यादा की इलेक्टोरल बॉन्ड के डिटेल तो आ गए हैं, ये डिटेल आ गया है कि कब खरीदा गया, किस तारीख को खरीदा गया, ये डिटेल आ गया है कि किस तारीख को किस पार्टी ने उसे इनकैश किया, लेकिन हम मिलान अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके लिए समय लगेगा। तो क्या चूंकि 2 दिन काफी नहीं है ये मिलान कराने के लिए और इसीलिए एसबीआई ये मियाद बढ़ाने की मांग कर रही थी, तो हो सकता है इस बात की प्रबल आशंका है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर कहे कि माय लॉर्ड ये मिलान कराने के लिए हमें और समय चाहिए, और तब देखना दिलचस्प होगा
क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए और उसकी वजह है चुनाव शुरू हो चुका है, जगह जगह मीटिंग्स हो रही हैं, 15 के आसपास में चुनाव का घोषणा हो जाएगा, ऐलान हो जाएगा, चुनाव आयोग तैयारियों में व्यस्त है, उसके बाद चुनाव कराने में व्यस्त हो जाएगा, वो भी तब जब 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में से एक चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त बचे हुए हैं, 2 पद खाली है, तो ये बड़ी चीजें अभी हैं। लेकिन सवाल यह है कि जैसे ही ये चीजें सार्वजनिक हो जाएंगी, मिसाल के तौर पर मैं अगर ये कहूं कि ये पता चल गया कि फला तारीख को फला नंबर का इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा गया था और फला तारीख को उस नंबर का इलेक्ट्रोल बॉन्ड फला पार्टी ने इनकैश किया, तो ये जानकारी अगर आम आदमी के भी सामने आ जाए, किसी एजेंसी के सामने आ जाए, जिसको भी इसमें इंटरेस्ट है आ जाए, तो वो बहुत आसानी से मिलान कर सकता है कि किस पार्टी के खाते में फला नंबर के इलेक्ट्रोल बॉन्ड का गया हुआ है। तो इस तरह से अगर हम कहें कि थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये जानकारी भी काफी है कि फला तारीख को फला नंबर का इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा गया था और फला तारीख को उस इलेक्ट्रोल बॉन्ड फला पार्टी को गया हुआ है। तो ये दो सेट्स हैं इन्फॉर्मेशन के, तो जो इसे मिलान कर पाएगा वो ये जान पाएगा। तो निश्चित तौर पर इसमें समय लगेगा, इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है, समय की दुहाई दे सकता है, लेकिन अगर ये जानकारी मुझे मिल जाए या आपको मिल जाए या किसी भी जो जिस आदमी को रुचि है अगर उसे मिल जाए पूरा, तो अपना चाहेगा तो अपने हिसाब से जानकारी इकट्ठा कर सकता है, निकाल सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी आने में थोड़ा विलंब लग सकता है तकनीकी तौर पर, लेकिन ये जानकारी सार्वजनिक हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर इस तमाम जानकारी के लिए।